किताब खत्म कर रहे हैं और किताब के अखीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात लाए हैं मवाज़ीन का। किताब जब शुरू की तो उन्होंने किताब शुरू की थी इन्नम अमालु नियत से इस बात को बताने के लिए, इसके तमाम आमाल का दार मदार नियत पर है। इंसान जो कुछ करता है वो अगर नियत सही है तो अल्लाह के यहाँ मकबूल और फाइज का सवाब होगा, और अगर नियत सही नहीं है ऐसे ही बड़ा अमल हो जितनी इंसान हो तो बेकार, बल्कि और अल्लाह के जरिए। इसलिए हर शख्स को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो जो अमल कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, अपने दिल को टटोले, नियत को टटोले और नियत की इज्जत कर दे। और फिर बदलवाही से इज्जत की इस बात को बताने के लिए कि दीनी उमूर जितने भी हैं सबका दारो मदार अल्लाह जल्ले शानों की वही पर है। मुसलमान जो भी काम करता है वो अल्लाह जल्ले शानों के अमर को देख कर करता है, तो दारो मदार जो है उसका वही पर है, उससे इज्जत की। और फिर ये कि सारी उम्र इंसान अपने नियत को टटोलता रहे और देखता रहे, और फिर जब इंसान दुनिया से जाए तो उसको ऐसे नए काम और अच्छे काम करना चाहिए कि जो उसके आमाल नामे को भरने का जरिया बने। इसलिए कि कयामत के रोज मीजान आदम कायम होगा और उसमें आमाल का वजन होगा, मन खपत मवाजीन हो कौम हो हाविया। अगर आमाल नामा नेकी का आमाल नामा का पलड़ा झुक गया तो वह सब तबाह बर्बाद होगा, और अम्मा मन खपलत मवाजीन हो तो वह इसलिए इंसान को हर वक्त इस बात की फिक्र रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इंसान जो दुनिया से रुखसत हो ऐसे नेक और अच्छे आमाल को लेकर जाए कि जो आमाल उसके लिए नजात का जरिया हो और उसके लिए उस मीजान अदल के पर्दे को भारी करने का जरिया बने। इसलिए किताब को खत्म कर रहे हैं और बड़ा इशारा इस बात की जानिब भी करते जा रहे हैं कि इंसान जब दुनिया से जाए तो उसकी जबान पर अल्लाह का नाम हो, अल्लाह की तस्बीह हो। फरमाते हैं वनादाउल मवाजीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामा। मवाजीन जो है मीजान की जमा है, अबादन का मौजान की जमा है। मीजान क़यामत के दिन कायम होगी। मीजान को मवाजीन को जमा क्यों लेकर आए, मुफ़रद क्यों नहीं लाए? तो हज़रात ने कहा है कि चूंकि बहुत से मवाजीन होंगे मुख्तलिफ आमाल के लिए, इसलिए मीजान को जमा लाए। बाज़ों ने कहा है कि हर हर शख्स के लिए अलग अलग मीजान होगा, इसलिए मवाजीन को जमा लिए। बाज़ों ने कहा है कि आमाल जो है उनकी अतराफ होंगी, हर हर किस्म के आमाल के लिए अलग अलग मीजान होगी, इसलिए जमा लिया है। अब अल्लाह ने कहा है कि नहीं, दुनिया और आखिरत के उमूर में बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया के मामलात आखिरत के मामलात को दुनिया के मामलात पर प्रयास नहीं करना चाहिए। तो दुनिया जो है उसके मामलात अलग है, आखिरत के मामलात अलग है, मीजान एक ही होगा और उसी मीजान में तमाम मखलूक के आमाल को वजन किया जाए। लेकिन इसको जमा लिया है, आलमत ऐसा होता है कि मुफरत का जमा लिया है और उसमें तफसील या कोई मकसद हो सकता है। देखिए जो है ये बात कायम किया है वनादाउल मवाजीन कि हम क़यामत के रोज मवाजीन कायम करेंगे। वो मवाजीन जो है किसके लिए होंगे? वो मवाजीन आमाल के तोड़ने के लिए होंगे। मवाजीन कैसे होंगे? अल मवाजीन अल क़िस्त। हम मवाजीन ऐसे कायम करेंगे जो क़िस्त होंगे। क़िस्त जो है ये मंजर है और ये सिफत बन रहा है मवाजीन के। और आपने पढ़ा था कि मौजूद सिफतें मुताबिक होना चाहिए, उनमें से मुताबिक जो है इफ़राद रस्मिया जमा भी है। तो मवाजीन जमा है और क़िस्त जो है ये मुफ़रद है, तो इसको किस तरह उसकी सिफत बनाया गया? तो मंजर है और मंजर बाद लोगों ने कहा है कि वनादाउल मवाजीन क़िस्त, ये मवाजीन के साथ जो सिफत है क़िस्त की, ये मवाजीन की जो सिफत है और इससे मुराद है वो मवाजीन जो ज़वात क़िस्त होंगे। और वनादाउल मवाजीन ज़वात क़िस्त, ऐसे मवाजीन जो बड़े अदल व इंसाफ करने वाले होंगे।
दुनिया में तराजू हुआ करती हैं, लेकिन तराजू में कुछ उन्नीस बीस का फर्क हुआ करता है। पांच तराजू ऐसी हसास होती है, ऐसी हसास होती है कि जरा सा हवा का झोंका आया तो चेंज जाता है। ये तराजू जो क़यामत के रोज होंगी ऐसी हसास और ऐसी उल्टा होंगी जो उसमें किसी किस्म का जुल्म, किसी किस्म के जुल्म वगैरह का वो इस्तेमाल नहीं होगा। बाजे ने कहा कि तुझ जो है ये मकूल लहू है, नदा और मवाजिन इसके लिए मवाजिन कायम करेंगे ये अजलिन से, इसलिए ताकि लोगों के दरमियान इंसाफ का मामला हो, जिसने जैसा किया है उस तरह उसके पर दिया जाए। बाजे ने कहा है कि हाँ मुजाह जो है मालूफ है और वह नदा और मवाजिन इसके लिए जैसा कि हम मवाजिन कायम करेंगे राम की तारीफ के लिए है, योम इल्तियामा यानी लेहिसाबी योम इल्तियामा क़यामत के दिन जो हिसाब होगा उसके लिए हम उस हिसाब के लिए योम इल्तियामा में हिसाब मौजूद है और ये मीज़ान अदल जो कायम की जाएंगी कितनी कायम की जाएंगी ये क़यामत के रोज के हिसाब के लिए ताकि पता चले कितने क्या किया। बाद लोगों ने कहा नाम जो है ये तालीम के लिए नहीं बल्कि सी के माना में है और उसे ज्यादा एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हुआ करते हैं। ऐसे यहाँ पर लाम चलाए हैं लेकिन लाम सी की जगह है, नंदावल मुआजी ने इसका सी ओमिन कियामा के माने में है, कियामत के रोज में उसको कायम करें। बाद में क्या है वक्त माना है नंदावल मुआजी ने इसका ये वक्त हुआ नहीं थे। बहरहाल इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि कियामत के दिन जो है मीज़ान कायम होगा और ये से अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न बाल जवाब अकवाल है आमाल की बड़ाई करते कि इंसानों बनो आदम के आमाल और उनके अकवाल का वजन किया जाएगा। तराजू होगी और तराजू के लिए सपटैन होंगे और ऐसी आदि तराजू होगी तो उसमें किसी के साथ किसी से तरीका नहीं किया जाएगा और वहाँ मखलूक के आमाल और उनके अकवाल का वजन किया जाएगा। जम्हूर अहले सुन्नत सब इस बात के कायल हैं कि क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगी और उसमें इंसानों के आमाल का वजन किया जाएगा। अलबत्ता मौतज़िला जो है वो इसका इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि जो मीज़ान कहा गया है इससे मीज़ान मुराद नहीं है बल्कि मीज़ान जिस आदल और इंसाफ के जाहिर करने के लिए कायम की जाती है तो वहाँ पर कोई मीज़ान नहीं होगी बल्कि वहाँ आदल और इंसाफ का मामला होगा। अल्लाह जब इंसानों किसी पर जुर्म नहीं फरमाएंगे उसको मीज़ान से साबित करते हैं। तो मौतज़िला जो है ये इसका इनकार करते हैं लेकिन इसके अलावा जो मूल सब इस बात के कायल है कि वाक़ई मीज़ान होगी या मवाज़ीन होंगे और उनके जरिए से लोगों के आमाल को तोला जाएगा। सारी की सारी मखलूक के आमाल तोले जाएंगे या ये कि कोई मखलूक ऐसी भी है जिसके आमाल तोले नहीं जाएंगे। तो लिखते हैं कि दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनके आमाल तोले नहीं जाएंगे और बाकी सबके आमाल तोले जाएंगे। एक तो वो काफिर होंगे कि जिन्होंने कुफर किया है और उसके अलावा और कोई गुनाह नहीं किया और उन्हें सही है और नहीं तो उनको जो है जहन्नम भेज दिया जाए। कुफर किया है और उसके अलावा और कोई इनके पास कुछ है नहीं। और एक वो मोमिन होंगे नेकोकार होंगे जिन्होंने नेकियां ही नेकियां की होंगी गुनाह नहीं किया होगा उनको भी मीज़ान अदल में तोलने की जरूरत नहीं होगी और उनको भी सीधा जन्नत में भेज दिया जाए। क्यों? इसलिए कि मीज़ान में वजन होगा उनके लिए कि जिनके पास नेकियां भी हो और बुराइयां भी हो, अच्छाइयां भी हो और गुनाह भी हो और जिसने ईमान कबूल किया और उसके बाद नेकियों को अख्तियार किया कोई गुनाह नहीं किया कोई बुराई नहीं की उसके लिए वजन की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि रिवायत में आता है कि अल्लाह जल्ल शानहू 70,000 बंदों को अपने जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये वो बंदे होंगे जिन पर कोई हिसाब किताब नहीं होगा जिनके लिए कोई वो नहीं होगा। तो ये जो है इन दो के अलावा जितने भी मखलूक है उन सबका मीज़ान में उनके आमाल नामे का वजन होगा उनके आमाल को तोला जाएगा ताकि मालूम हो किसने क्या किया है। इस तरह मोमिनों के आमाल को तोला जाएगा इसी तरह काफिरों के आमाल को भी तोला जाएगा उनके भी आमाल इस तरह वजन किए जाएंगे। इसलिए कि कुरान करीम में फरमाते हैं मन सबत मवाज़ीन हो वहु आविया कि जिनके मवाज़ीन हैं वो हल्के होंगे और जो बुरे काम करने वाले होंगे तो फरमाया मन सबत मवाज़ीन हो मन सबत मवाज़ीन हो बहुलाई का औलाइक अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम वो
वो लोग जो खसारे में है, इन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, ये कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिन्हें बदनामियां थी, वो लोग होंगे जिन्हें बुराइयां थी। और आगे फरमाया कि तुम्हें जो सजा दी जा रही है, तुम्हें सजा दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? इसलिए कि अलम तकुन आया तुम का आने कुन तुम बिहार सकुन तुम आला आपा सको, तुमने देखो हमारे रसूलों को सिखाया, हमारी आयात तुम पर भरकर सुनाई जाती थी, लेकिन तुमने श्रवण करने के बजाय उस चीज पर बीत थी, उल्टे पांव फिर गए, उसको नहीं माना और कुफर किया। तो मालूम हुआ इस तरह मोमिनों के आमाल तोले जाएंगे, इस तरह गैर मोमिनों के आमाल भी तोले जाएंगे, और मीजान जो है ये वाकईतन मीजान होगा, और इसमें लोगों के आमाल का वजन किया जाएगा। बाकी ये कि मौतजिला ने जो कहा तो वो क्यों कहा है, कहते हैं मौतजिला ये कहते हैं कि ये जो इंसान जो अमल करता है ये क्या है, ये आराज है, और वजन जो है वो जवाहे का हुआ करता है। तो जब ये आराज है तो इनका वजन वहां पर किस तरह होगा, इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। हम ये कहेंगे कि साहब इससे मुराद जो है वो है अगलो बतावाद इंसाफ करना और मीजान वगैरह कोई चीज नहीं होती। लेकिन उसकी तरफ उनका जवाब ये दिया गया है कि आराज जो है उसका मीजान और वजन किस तरह होगा। लेकिन आज अल्लाह ने इंसान के हाथों इंसान के जरिए ऐसे आलात इजाद करा दिए, इन आलात के जरिए से इंसान इस तरह से इस तरह की चीजों का वजन किया करता है। थर्मामीटर है और दूसरे आलात हैं, तो उनसे इन तमाम चीजों की जो पहले के जमाने में आलात थी आज उनका वजन हो जाता है। इसलिए ये एतराज करना कि ये आराज है इनका वजन किस तरह होगा, ये ऐसी बेकार की बात है। जबकि बात साहब इकराम रजी मजमैन से इस तरह का मरवी है, चुनाचे अब्दुल्लाह ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह जल्ले तआला कयामत के रोज इन आराज को, ये जो चीजें दुनिया में आराज है इनको जबरदस्त बना देंगे, इनको जवाहर की कबीर से बना देंगे। जब वो जवाहर की कबीर से होंगे अल्लाह के निशानों के लिए तफ्सीर आसान है। अल्लाह के निशान जिस चीज को जो और जब जैसा चाहे बना सकता है, अल्लाह ने जिन चीजों को यहाँ आराज बनाया है क़यामत के रोज़ अल्लाह के निशान उन चीजों को आराज बना वो जवाहिर बना देंगे और फिर उनका वर्णन होगा। माँ अब ने कहा है कि ये जो चीजें हैं इनका वर्णन नहीं होगा, बल्कि जिन सहाइफ में इन चीजों को लिखा जाता है, इंसान के आमाल जिन सहीफों में फरिश के लिखते हैं वजन उन सहायक का होगा। अगर ये कहा जाए कि उन सहायक का वजन होगा तो फिर मौतजिला वाला एतराज जो खत्म हो जाता है कि ये आराज है इनका वजन किस तरह होगा, अल्लाह जल्ले शानहू उनको बना देंगे वो क़यामत के रोज वजन जो है सहीफों का होगा। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मरवी है वो फरमाते हैं कि आमाल नामे और सही से जो है उनको तोला जाएगा, लिहाजा आराज होने वाला एतराज खत्म हो गया। इसलिए बाहल्ला ने कहा है कि क़यामत के रोज मीजान अदल में जिस चीजों को तोला जाएगा वो होंगे सहायक। और इसकी साइज इस हदीस से भी होती है जिसमें आता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज जब मीजान होगा एक आदमी के 99 जिंदा जो है कपड़े एक पलड़े में रख लिया जाएगा और दूसरे पलड़े में एक पर्दे को लाकर रखा जाएगा, वो देखेगा अपना हर एक हैरानों का नुकसान हो जाएगा। एक तरफ की 99 जिंदा इतने खाली हो गए पर्दे में, अब उसके मुकाबले में एक पर्चा छोटा सा क्या करेगा, इसकी क्या है देखो। लेकिन जो उस पर्चे को दूसरे पर्दे में रखा जाएगा तो पर्दा छूट जाएगा, क्यों? देर उसने अल्लाह का नाम लिखा होगा, करीमान हुआ होगा और अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के मुकाबले में कोई चीज भी खारिज नहीं। इससे आपसे बात की साइज होती है कि वजन जो होगा वहां पर वो सहायक का होगा, वो सहायक जिनसे लिखा जाता है जिनमें वजनों के आमान नाम लिखे जाते हैं। बहरहाल ये वजन जो है किसका होगा, ये सहायक का होगा, जैसा कि हदीस नंबर 85 फरमाया जो मीजान में वजन होगा वो
उसमें खुद से हसर से ज्यादा खुशी है, खुद से हसर जो है वो बहुत भारी चीज है। और जो कहा है कि वजन जो है वो इंसान को महाराज ये जो मवाजीन होंगे रोज चाहे ये साहिब का वर्णन हो, चाहे ये उन लोगों का वर्णन हो और चाहे ये अमान का वर्णन हो, अल्लाह जल्द शानो मवाजीन पर साबित है। अल्लाह जल्द शानो जो है तो अमान को मुनसिब बना दे, अल्लाह जल्द शानो जो है साहिब का वर्णन है। इसकी बात साबित है कि क़यामत के रोज वर्णन होगा और मैं वर्णन और मवाजीन का जो क़यामत बड़े आदि होंगे, बड़े साफ करने वाले होंगे, साहित किया जाएगा। अन्न आमाजन और इंसानों के अमाल का वजन होगा, वन वालों के अखबार का वजन होगा। सब कुछ सोचना चाहिए जो इंसान कर रहा है, क्या कह रहा है, जो भी इंसान अच्छाई करे या बुराई करे उसने क्या है, क्या फायदा उठाने वाले वैसे होगा। रूमी जबान में इस्तेफ़ाक के माना है आदल, और ये तराजू जो है ये आदल का जरिया होती है, इसलिए उसको भी तराजू को भी इस्तेफ़ाक कहा जाता है। यहाँ कोई अगर ये इश्काल करे कि कुरान करीम अरबी जबान में नाजिल हुआ है और अल्लाह के निशान ने कुरान करीम के बारे में फरमाया है इतना हमने जनता हो कुरान अरबी है, हमने कुरान करीम को अरबी कुरान और जो कहा है कि
मुराद आदिल नहीं बल्कि जाहिल मुराद है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाते हैं अमल फासिदून फसानू ली जहन्नम हसरा, तो मुझे फासिद उस फासिद को देता और आदिल जो कहा है वो किस एतबार से कहा है, मुझे आदिल कहा है, ये नहीं कि मुझे आदिल और इंसाफ करने वाला कह रहे हैं, तो जाली मुझे जालिम बना दिया, काफिर बना दिया, तुम समझ लो मेरी तारीफ। तो महाराज काफिर जो है वो जायज के माने में इस्तेमाल होता है और मुफ्त जो है वो आदिल के माने में इंसाफ आदिल के माने में इस्तेमाल होता है। और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मिस्र के आखिरी शेर इमाम बुखारी के अजायबात को जमा करते हैं, तो इन्होंने अपनी किताब में आखिरी हदीस लाए और उसमें जिस शेर से उसको नकल कर रहे हैं वो भी मिस्र के इनके आखिरी शेर है। 217 या 218 या 219 में इनको हाल हुआ है अहमद इब्न अश्शाब। और ये अहमद इब्न अश्शाब जो है इस नाम के दो आदमी और हैं लेकिन उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, इनके भाई नहीं है अहमद इब्न अश्शाब के अली इब्न अश्शाब दूसरे, बल्कि वो दूसरे हैं इनसे अलग। ये रिवायत कर रहे हैं मोहम्मद इब्न सुबैर से और वो रिवायत कर रहे हैं हमारा इब्न आका से और वो अबू हुरैरा राजी के वास्ते से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत कर रहे हैं। ये अजीब बात है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जो पहली हदीस थी वो भी गरीब और आखिरी हदीस थी वो भी गरीब। हिदाया वगैरह में आप पढ़ते होंगे जहाँ हदीस गंगा के अनाथ है उसमें ताजा लिखा लिखा हुआ है कि हदीस गरीब है। तो हदीस गरीब का मतलब ये नहीं कि जहाँ भी हदीस गरीब आए वो हदीस जो है काबिल एतबार नहीं है, नहीं मतलब हदीस जो है वो सही होती है, बराबर होती है नाकली के एतबार। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले हदीस की नमाज आमार इब्न नियाज़ से भी थी, वो हदीस जो है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बरवी है, उनके अलावा सहाबा में किसी और से बरवी और उनसे नकल करने वाले उनके शागिर्द हैं अलकमा। अलकमा जो है मुनफरिद है और उनसे नकल और किसी ने नकल नहीं किया और उनसे नकल करने वाले मोहम्मद इब्न इब्राहिम ज़ैनी है और वो वहाँ मुनफरिद है और उनसे नकल करने वाले जो है वो याहिया देसाई। तब यहाँ तक जो है हर एक अपने शेख से नकल कर रहा है उसे मुनफरिद है, ये बराबर है और उनके बाद जो है उनकी रिवाज होता है। ऐसे यहाँ आखिरी अजीज जुलाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बुखारी में वो आज तक वो हैरा रजी अल्लाह तआला सुना रहे हैं जिसमें ये मुनफरिद है। इनसे इनके ताजिद अबू जुरा राजी नकल कर रहे हैं और वो सबसे मुनफरिद है। अबू जुरा से उनके ताजिद हमारा इसमें आका नकल कर रहे हैं और वो इसमें मुनफरिद है और उनसे जो है उनके ताजिद मोहम्मद इब्न सुबैर नकल कर रहे हैं और ये गोया चारों तक पास में कि हदीस जो है बदली हर एक अपने शेख से नकल कर रहा है इसके अलावा और उसके बाद जो है प्रश्न छोड़ रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी की पहली और आपकी हदीस ऐसी लिखी थी जो गरीब है सुबह से दोबार से हर बार तक पास में अगर कबूर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتاني حبيبتاني للرحمن رفيقتاني على اللسان ثقيلتاني في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। ये कलाम है और उसके लिए कलमे का इस्तेमाल किया अरबी में, ऐसा मुख्तलिफ मवाद में होता है कि कलाम होता है और उस पर कलमे का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जैसे कि कलमा तैयबा कहा जाता है, कलमा इखलास कहा जाता है, इस तरह से इस तरह यहाँ ये कलाम है और इसको कलमे का इस्तेमाल कर दिया है। कलिमतानी दो कलमे हैं, अभी बतानी रहमान, रहमान को बड़े महबूब है, ये हदीस कायल नहीं बल्कि मकबूल के मानन महबूब के मानन है कि ये कलमे ऐसे हैं बल्कि मकबूल के मानन महबूब के मानन है कि ये कलमे ऐसे हैं कि ये महबूब है अल्लाह जल्ले शानों को, यानी इनको जो शख्स पढ़ेगा वो अल्लाह जल्ले शानों का महबूब बन जाएगा।
अगर ये चाहते हो कि अल्लाह जब इंसानों की मोहब्बत हासिल हो, अल्लाह के महबूब बनो, इन कलमों पर मुजावत तैयार करो, अल्लाह जब इंसानों की मोहब्बत हासिल हो। करी बतानी मौजूद है, हमें बताने की सिफत है, और ये हमें बताने ये फाइल मकूल के माने में है। और फायदा ये लिखा है कि अगर फाइल जो है मकूल के माने में हो और उसका मौजूद भी मजबूत हो तो उसमें मुदस्ता का मोनस ला सकते हैं, तो फिर इसको मोनस ले जाते हैं। मुदस्कर ले आते हैं, इसको मोनस लाने की क्या वजह, अभी बता नहीं है, अभी बता नहीं होगा। उसका जवाब ये दिया गया है कि ये जो इसमें मुदस्कर या मोनस लाना बराबर है, ये मुफरत के लिए है, तस्वीर है जमा के लिए। और यही है कि इसमें जायज है कि ऐसा कर दिया जाए, वाजिब नहीं है कि उसको इस तरह लाया जाए। अब ने कहा है कि चूंकि आगे फकी पता नहीं आ रहा है, फकीफा और तकीला ये दोनों फाइल है, मकूल नहीं है, इसलिए उनके साथ मुशावरत के लिए इसको हकी बतानी मोहम्मद के साथ दिया। भारत ये जो कलमे है हकी बतानी रहमान अल्लाह जल्लशानों को महबूब है, यानी मतलब ये है कि अल्लाह जल्लशानों के यहाँ उसके पढ़ने वाले को महबूब बना देते हैं।